आज मोहाली प्रेस क्लब में पेंशनर्स ने की वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। सरकार को एक सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। पंजाब सिविल सचिवालय सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान कमलजीत कौर भाटिया, जनरल सचिव श्यामलाल शर्मा ने कहा कि सूबा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन फैसला कर लिया है कि कम से कम 15% का लाभ दिया जाएगा, इसको लेकर फौरन नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एसोसिएशन की ओर से कहा कि सरकार की बीती 26 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में जो फैसले किए गए हैं उनको अमल में लाया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने पहले ही 4.5 साल खराब कर दिए हैं। पंजाब में कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, इसके बाद सरकार को बहाना मिल जाएगा कि अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीती 1 सितंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इसलिए पंजाब एक सप्ताह के भीतर पेंशनर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन को लटका कर सरकार अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो इसका नुकसान सरकार को होगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग इससे नाराज हो जाएगा। सरकार को पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रख जल्दी ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। ये पंजाब सिविल सैक्रटेरिएट सर्विसिज ऑफिसर रिटायर्ड एसोसीएशन जी है वो वालों की जा रही है। तो असी आम देखा है कि जिनी साढ़े नाल अपने एजुकेशन बोर्ड के भी साथी ने, रंधावा साहब भी ने जो आए ने, क्योंकि असी ये बारे थोड़ा जा पे कमीशन के बारे दस दी कि पे कमीशन जोड़ा है 24 फरवरी 2016 नियुक्त किया पंजाब गवर्नमेंट ने, तो 30/4/21 इसने अपनी रिपोर्ट दी। 5 साल के 5 साल बाद इन्ना समा लगा तो उपरंत भी जी नोटिफिकेशन है वो सरकार ने जी इशू की वो 5 जुलाई 2021 की गई, और वो नोटिफिकेशन जी इन्नी कमियां रखी गई वालों कि उस बारे पंजाब एजिटेशन स्टार्ट हुई। रजिस्ट्रेड स्टार्ट होने तो बाद फिर जोड़ा मीटिंगा का सिलसिला शुरू होया, उस तो बाद ऑफिसर्स कमेटी कैबिनेट सब कमेटी इस तरह मीटिंगा चलती रही। मीटिंगा तो बाद मुलाजमान पेंशनर कुछ होप हुई कि पंजाब सरकार कुछ ना कुछ देगी, तो 26 अगस्त को अल्टीमेटली कैबिनेट की मीटिंग हुई जिस दे कुछ डिसीजन आए, फेवरेबल डिसीजन भी आए। सैक्रटेरिएट के जोड़े ऑफिस ने साढ़े सैक्रटेरिएट का स्टाफ जोड़ा है उत्थे भी उन्होंने साथियों ने कुछ बेनीफिट जोड़े ने रिस्टोर किए, पत्ते भी रिस्टोर किए, कई चीज़ा जड़िया ने रिस्टोर हुई। कहने का भाव है कि 5 जुलाई का जोड़ा नोटिफिकेशन से उस तो बाद कुछ चीज़ों इंप्रूव किया गया, तो यह भी लिखा गया सरकार वालों जो अखबारों के रिपोर्ट आई ने जो भी आया है, तो जो प्रोपोगंडा आया है, जिमें ईवन जो पंजाब सरकार का प्रेस नोट भी सी इशू होया है कि असी 15% घट्टो घट बेनीफिट देवे 15%, वो लोगों को 15% सुन के जो वर्ड नाल ये लगाया गया है कि मिनीमम 15% लाभ असी देवे, तो कुछ लोगों को सैटिस्फैक्शन तो नहीं पूरी होंगी लेकिन कुछ सैटिस्फैक्शन हुई। असी जो अज मंग कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही इस दे राही असी ये कहना चाहते सरकार को कि जो डिसाइड तुम किया कैबिनेट की मीटिंग वट एवर इट मे बी उसनू तुसी बाहर लेके आओ, नोटिफिकेशन इशू करो। सरकार नोटिफिकेशन इशू कर रही जिदे करके लोगों के मन च रिजेंटमेंट है, तो खास करके जोड़े पेंशनर ने पेंशनर के मन के बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हैगी है, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, एडवांस एज के ने बेनीफिट जोड़े ने दिख नहीं रहे। बहुत सारे पेंशनर ने जोड़े असी देखते हैं कि सवेरे असी सैर करते हैं जो भी गलबात होंगी है वो यही गल हुंदी है कि शर्मा जी इन्हां नूं स्ट्रेस करो इन्हां दे उपर
कि ये नोटिफिकेशन छेती इशू करन ताकि जो किसी नूं मिलना है वो मिलना शुरू हो जाए। पंजाब सरकार जिहड़ी कहिंदी सी कि 1 जुलाई तो असी बेनीफिट दे रहे हैं, अगस्त की सैलरी के नाल तुहाडे लग जूगा, लेकिन अगस्त भी निकल गया, इस अगला महीना भी निकल जाना है, क्योंकि अजे तो नोटिफिकेशन ही नहीं इशू हो रही है। तो सानू ये नहीं समझ आ रहा कि 26 अगस्त की मीटिंग हुई भी है, हुण तक सरकार नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकी 26 अगस्त तो बाद। तो असी जिमें आम डिस्कशन जो होंगी है जो ऑफिसर्स कमेटी नाल या कैबिनेट सब कमेटी के नाल मीटिंगा होंदिया ने लीडर साहबान दी, प्रेस दे विच हमेशा यह आता है कि पेंशनर्स प्लस वर्किंग इंप्लाइज दी जथेबंदियां ने मीटिंग कीती, ते कैमरे के सामने जो भी साथी आण के बोलते ने असी देखिया है कि असी महसूस कर रहे पिछले दिनों चों कि पेंशनर दे बारे एक भी शब्द कोई नहीं बोलता है, एब्सोल्यूटली नॉट। कहण दी गल्लां दूर ने, ईवन कई जड़े लीडर ने डिफरेंट डिफरेंट संस्थावां दे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे उन्हां नूं मैं सुनिया, वो भी अपने जिहड़ी स्पीचा ने उहदे विच इह गल्लां लैके आंदे ने कि मुलाजम पेंशनर खेती मजदूर फलाने सारे साडे नाल ने, ते सारयां दी असीं गल्लां बातां चाहुंदे हैं कि इस दे मसले दे विच आओ ताकि आपां सरकार कोलों हल करा सकीए। मैं कमलजीत कौर भाटिया प्रेजिडेंट रिटायर्ड ऑफिसर एसोसीएशन पंजाब से सैक्रेटेरिएट बोल रही हूँ। बाकी जो शर्मा जी ने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल ठीक है, मैं इन्हों की गल नाल इन बिन सहमत हैगी हाँ। सरकार नूं बिल्कुल नहीं इस चीज़ का समझ आ रही कि बजुर्गों नूं क्यों तंग कर रही है, साढ़े इन्ने बजुर्ग मर चुके हैं, दिलों के ही लैके चले गए, तो ये सरकार के कन्ना तो जू नहीं रेकती हैगी। बट असी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिहड़ी 26 तरीक नूं मीटिंग हुई है उस मीटिंग की नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी कर दें, सानू खुशी होएगी, असी उन्हां दा धन्नवाद करांगे। बाकी अज तक असी भुख हड़तालां भी कीतियां, 5-6 भुख हड़तालां कीतियां, पुड्डा दे ऑफिस के सामने भी कीतियां, तो बाकी सैक्रटेरिएट भी की भुख हड़ताल असं किसी के कन्ने तो जू नहीं रेंगती। साढ़े को प्रिंसीपल सैकटरी टू CM लंघे संधु साहब, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या सर राजे अकल नहीं होंगी वजीर अकल होंगी है, वजीर तुम उन्होंने तुम उन्होंने कहो कि बाबू इन्हों सारू ना सुनो तो एक्शन लवो। उसी दिन शाम नू एसोसिएशन नू मैसेज आ गया कि 6 तरीक नू मिलो सानू, उसले एक्शन तो होया पर कोई रिएक्शन नहीं होया। सरकार बिल्कुल अन्नी बोली बोई हुई बैठी आ, सानू इस गल का बहुत दुख है। एजिटेशन नू की मैं तो भुख हड़ताल रखन नू भी तैयार हाँ, मरन वर्त रखन नू भी तैयार हाँ, होर दसो इन्नी कु मेरे च ताकत हैगी आ, दुख लगता पर बद दुआवां भी निकल दियां आ। इन्ना कह के मैं अपने आप को शांत कर दी हाँ, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भड़क रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जे मेरा गुस्सा भड़क गया मैं अपने मनप्रीत बादल के सामने स्यापा करके आऊँगी। हाँ जी, बाकी वालिया जी बोलेंगे। देखो जी बेसिक गल्लां ने उते शाम लाल जी ने ते मैडम पार्टियां ने क्लीयर करतियां ने। साडा जिहड़ा सब तो ज़्यादा मेन चिंता हैगी पेंशनर्स की, वो यही है कि दिनों दिन घटते जा रहे हैं, अपने दिल दिया दिल च लैके जा रहे हैं। जिहड़ी स्पीड सरकार की लगी हुई है इस हिसाब नाल कदों नोटिफिकेशन हुंदी है ते उस तो बाद कदों एरियर मिलता है, क्योंकि अजे तक जदों भी मंत्रियों का बयान आता है कोई गवर्नमेंट वालों प्रेस नोट इशू होंदा है, जिन्नी बारी भी उन्होंने गल्लां होंदियां ने वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंदियां ने, पहली स्टेटमेंट दे विच कुछ होर कहिंदे हैं, अगली स्टेटमेंट दे विच कुछ होर कहिंदे हैं, उस तो 2 महीने पहला वो कुछ होर कहिंदे रहे सी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बड़ी रिजेंटमेंट है, जिन्नी देर तक क्लीयर कट नोटिफिकेशन नहीं होंदी
उन्नी देर तक तुड़कू जिहड़ा कहने आ ना मुलाजमान दे भी ते पेंशनां दे मन च लग्या होया है। जो सरकार कर रही है या चंगा कर रही है माड़ा कर रही है उहदे बारे भी असी जिहड़ा है ना बाद दे विच ही अपना जिहड़ा सही रिएक्शन दे सकांगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट विश्वास करने योग नहीं है। हर वक्त कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हुंदियां ने। इस करके असीं अपील करदे आ कि जल्दी तो जल्दी नोटिफिकेशन इशू होवे ता कि सारयां नूं कलैरिटी होवे कि की मिल रहा है ते कदों मिल रहा है, कि असीं सैटिस्फाइड हाँ या नहीं हाँ। उस तो पहला साढ़े वास्ते रिएक्शन देना कोई मतलब बहुता पॉसीबल नहीं है।